हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़रा हटके है। ज़्यादातर हम इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाते हैं, पर ये मेरे पास 10 साल पुराना गैस का स्टोव था और बहुत ही इसकी फ्लेम है वो बहुत ही धीरे चल रही है। इसकी ज्योत है वो इतनी परफेक्ट अभी नहीं रही है। तो आज हम वीडियो में यही दिखाने वाले हैं कि इसे हम घर पर कितने आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, आपको स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ी इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है और ये हम एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। आप इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले संभल के ये सब कीजिए क्योंकि ये रिस्की भी होता है। तो पहले हम इस सभी चीज़ों को एक बार हटा देंगे और पूरा स्टोव है वो हम ओपन ही करने वाले हैं, पूरे सभी पार्ट है वो। तो देखिए, हमने जो बेसिक होती है चीज़ें वो तो हम ऐसे ही हटा भी लेते हैं और सफाई भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी अंदरूनी पार्ट होते हैं जो अच्छी तरह से सफाई भी नहीं होती है और रिपेयर में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये इसके सभी अंदर के पार्ट्स है दोस्तों, और यहाँ से एयर ले लेता है गैस है वो, तो वहाँ से ही अच्छी तरह से ये एयर के बाद फ्लेम है वो परफॉर्मेंस देती है। तो देखिए, हम इसके बोल्ट है वो बहुत ही जाम हो चुके हैं दोस्तों, तो फिर भी हमने ये कोशिश की है कि आसानी से खुल जाए, लेकिन ये बहुत ही हार्डी बोल्ट है दोस्तों, तो खोलने में दिक्कत आई है। शायद कुछ क्रैक भी हो सकता है इस सभी चीज़ों में। लेकिन आप यदि ये पूरी वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये घर पर ही आसानी से ये सब कुछ चीज़ें है वो रिपेयर कर सकते हैं। मैंने वीडियो में पूरे पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो देखिए, खोलने के दौरान ये भाग है वो क्रैक नीचे से हो गया है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं आगे पूरे पूरी वीडियो आप देखिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की हमें सफाई भी अच्छी तरह से कर लेनी है। ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, तो कुछ पार्ट है वो मैंने इसमें से हटा दिए है क्योंकि नहीं तो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो सफाई वगैरह का है, तो ये इसकी चक्री है जिसमें से गैस है वो पास होती है, और देखिए कितनी गंदी हो गई है, पूरे कचरा जम गया है। तो यहाँ से गैस है वो अच्छी तरह से सप्लाई नहीं होती है और जो फ्लेम होता है वो बहुत ही धीमी गति से ये गैस चलती है दोस्तों, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न की वजह से हमारी जो ज्योत है, फ्लेम है वो धीरे चलता है दोस्तों। तो इसका आपको आप पूरी वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से ये हम अच्छी फिर से कर सकते हैं और वो भी घर पर। तो ये हमने इसकी चक्री है वो निकाल दी है और पेट्रोल से अब हम ये पार्ट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे दोस्तों, और कोई भी ब्रश की मदद से आप कर सकते हो। बहुत ही स्क्रैच वगैरह ना आए इस तरह का ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी ब्रश शायद पुरानी आपके पास होगी ही, और ये हमने वायर होता है इलेक्ट्रिशियन का, उसका प्रयोग किया है क्योंकि अंदर से अच्छी तरह से साफ होना काफ़ी ज़रूरी है। अंदर कार्बन जम जाता है ना दोस्तों, तो उसकी वजह से ही ये अच्छी तरह से फ्लेम है वो नहीं हो पाती है। और अब हम ये पार्ट भी ओपन कर देंगे। तो ये रेगुलेटर है लो और फास्ट करने के लिए, तो हमने हटा दिया है और देखिए कितने बुरे हालात अंदर हो चुके हैं। हम ये स्टोव अच्छी तरह से साफ करते हैं लेकिन इस जगह पर तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास कर महिलाओं के लिए, क्योंकि इतना सारा ओपन नहीं करते हैं वो और बाहर से साफ कर लेते हैं, लेकिन ये हो सके इतना हमने साफ़ किया है। वैसे तो पूरे पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कितनी अच्छी तरह से हमने ये सब कुछ साफ़ कर लिया है। और ये बॉल भी हम खोल देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से या तो कोई डिसमिस से, तो ये हम ओपन कर लेंगे क्योंकि आपको मुझे पूरे पूरी डिटेल देनी है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, तभी ही आप अच्छी तरह से ये समझ पाओगे कि किस तरह से हमने ये पुराने स्टोव को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ रिपेयर किया है दोस्तों। तो ये पाइप है वो दोस्तों हमने ओपन कर ली है और इस पर भी हमें वर्क करना है, तो ये भी हमें ओपन करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों में दोस्तों, ये जो आप तीर देख रहे हैं ना, वो ओपन नहीं करना है क्योंकि वो स्टोर के बगैर आप घर पर ओपन नहीं करोगे और बहुत सेंसिटिव होता है, यदि उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है तो फिर वो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, तो लीकेज वगैरह हो सकता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये ओपन हो जाएगा और अच्छी तरह से हम साफ भी कर सकते हैं। तो इसमें एक लॉक आता है और ये प्रेस करके हमें इसके बोल्ट को ओपन करना होता है। तो ये दोनों के दोनों है वो हम
अब ओपन करने वाले हैं। देखिए रेगुलेटर भी कभी कभी अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है या तो वो जाम हो जाता है दोस्तों, तो उसका भी रास्ता इस पर ही है। तो ये पहले हम थोड़ी सफाई कर लेंगे ताकि ये खोलने में थोड़ी आसानी हो। तो हमने पेट्रोल डाल के थोड़ा सफाई कर ली है ताकि खोलने में थोड़ी आसानी हो दोस्तों। तो अच्छी तरह से हम इसे सफाई कर लेंगे और इसको हम प्रेस करके ही ओपन करना है, अदरवाइज ये बोल्ट है वो ओपन नहीं होगा दोस्तों, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। और जिस तरह से हम ओपन करते हैं फिर बाद में उस तरह से ही हमें ये पैक भी करना है, उसका भी आपको ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये सब वैसे तो सेंसिटिव पार्ट है और गैस में ऐसी कोई दिक्कत ना आए उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। यदि आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आता है तो आप स्टोर से ही ये सब कुछ रिपेयर किए तो कीजिए। और ये ओपन हो गया है, आप देख लीजिए इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है और इसमें भी दोस्तों काफ़ी सारा कार्बन है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से वो फ्लेम नहीं होगा, जोत या तो आग है वो अच्छी तरह से नहीं निकलेगी। और इसके अंदर एक और पार्ट भी है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, कोई मेटल की चीज़ों से इसको स्क्रैच वगैरह ना हो, इसके लिए हमने पुरानी पेन का उपयोग करके उसे निकाला है। और देखिए इसमें भी कितना कार्बन है वो जम गया है। इसमें दो वॉल होते हैं और एक में से गैस सप्लाई होती है और एक जब हम स्लो करते हैं तो बहुत ही स्लो गति से आता है, वो दो प्रकार के वॉल इसमें होते हैं। तो उसकी अच्छी तरह से हम सफाई कर लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक पुराने तार छोटे होते हैं ना वो ही इसमें काम आएगा, अदरवाइज सुई भी नहीं काम आएगी, इतना छोटा वॉल होता है। और उसके जो पाइप में दूसरा पार्ट था दोस्तों, उसको भी हम कोई स्क्रैच ना पड़े उसका ख्याल, मेटल की चीज़ों का उपयोग नहीं कीजिए। और अच्छे से कपड़े से हमने साफ़ कर लिया है और दूसरा वाला है वो भी हम ओपन कर लेंगे दोस्तों, ताकि बाद में कोई भी एक भी चीज़ ऐसी ना रहे कि जिसकी वजह से फ्लेम है वो अच्छी तरह से, मुझे जितनी चाहिए थी दोस्तों वो उसका रिजल्ट इसमें मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें तो कितना सारा जंग लगा है, तो ये कार्बन लग चुका है, तो ये थोड़ी हार्ड होती है, निकलने में थोड़ी परेशानी भी रहती है। तो ये देखिए कितनी इसमें वो इतना वो होगा दोस्तों कार्बन, तो अच्छी तरह से फ्लेम नहीं होगी जो कितना भी हम कोशिश करें, कितने भी स्टोर वाले को दिखाए, तो बाद में इतनी दिक्कत से कोई भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं हमें मिलता है। तो ये हमने साफ़ भी कर ली है और फिट भी कर ली है दोस्तों। साफ़ करने में और फिट करने में संभल के ये सब कुछ कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है। और ये फिर हमने उसमें लगा दिया है दोस्तों, और देखिए सब कुछ की सफाई भी हमने अच्छी तरह से कर ली है, ताकि ये बार बार खोलने की चीज़ भी नहीं है दोस्तों, एक बार अच्छी तरह से साफ़ हो जानी चाहिए। और ये सब कुछ आपको देख रहा है स्टोव के पार्ट में छोटे छोटे जो छेद है वो भी अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए सुई वगैरह की मदद से, ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना आए। और रेगुलेटर भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है दोस्तों। और अब हम इसमें ट्रायल बेसिस के रूप से ही स्टार्ट करेंगे, अभी हमें फाइनल नहीं किया है क्योंकि अभी बोल्ट वगैरह तो पूरे टाइट ही करने हैं। तो तकरीबन मुझे जितना रिजल्ट चाहिए था उसका 20% ही मिला है, तो उसमें अभी भी मैं कुछ वर्क करने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ये केवल सफाई की है और कोई पार्ट मैंने एक्स्ट्रा न्यू ऐड नहीं किए हैं इसमें। तो अब जाके कुछ मैं इसमें जुगाड़ भी करूँगा, आप बने रहिए वीडियो में। और ये सब करने से पहले दोस्तों आप कोई प्रोटेक्शन का ख्याल रखिए। तो ये टूट गया था दोस्तों, उसको मैंने न्यू एक मार्केट से बोल्ट में लाया हूँ और एक का वेल्डिंग कर लिया है। और ये दो चक्री जो पुरानी थी दोस्तों, इसको भी मैंने सफाई कर ली है। अभी मैं आपको एक इसकी जो सप्लायर चक्री है ये पुरानी थी, देखिए आप, तो मुझे ठीक नहीं लगी थी क्योंकि वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दे रहा था, तो उसके लिए मुझे चेंजेस करना पड़ा। और ये 15-15 रुपये की यानी कि 30 रुपये की दो मैं लाया हूँ मार्केट से न्यू ही, तो उसमें भी कुछ नंबर वाइज होता है दोस्तों। तो ये 85 वाला है, जितना बड़ा होगा उतना जोत तो ज़्यादा निकलेगी, फ्लेम ज़्यादा होगी। और ये 58, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर वाला भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वही नहीं तो बर्तन वगैरह है उसमें जलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और अब हम इसे इस जिस जगह पर था उस जगह पर ही फिट करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सब कुछ मुझे फिट करना ही है दोस्तों। लेकिन ये सब देखिए मैं फिट मैंने कर दिया है अच्छी तरह से टाइट करके, लेकिन इतना भी टाइट ना कीजिए कि बोल्ट वगैरह है वो अंदर की साइड टूट जाइए। तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और अब हम फाइनल रिजल्ट को देखने के लिए जा रहे हैं।
और इसके लिए आप प्रोटेक्शन ज़रूर रखिए। इसके लिए मैंने एक डिवाइस भी लिया है दोस्तों, जैसे मैंने ELCB का वीडियो एक डाला था उस तरह का ही एक डिवाइस भी है, जो ब्लास्ट लीकेज वगैरह हो जाता है तो गैस के बोतल को लॉक कर देता है या तो सप्लाई है वो बंद कर देता है। तो उस तरह का डिवाइस का आप रिव्यू देखना चाहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं वो डिवाइस का भी रिव्यू बताऊँ। बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है। तो देखिए दोस्तों पहले का सीन कैसा था और अब जाके ये कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये तकरीबन मुझे 30 रुपये में ही कंप्लीट हो गया था। एक तो वेल्डिंग है वो मेरे से टूट गया था, इसलिए 20 रुपये का चार्ज ज़्यादा लगा। तो कंप्लीट 50 रुपये में सब कुछ हो गया है दोस्तों, और न्यू जैसा गैस स्टोव है उस तरह का ही परफॉर्मेंस देने लगा है। पुराना भी आप देख सकते हो और न्यू भी आप देख सकते हो। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।